The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Chest X-ray. What is a chest X-ray? Or chest X-ray mein aapko kya kya finding milti hai? Kaun kaun si bimariyan pakad mein aati hain? ये बहुत अच्छा बहुत तुरंत फास्ट और पेनलेस मेथड है इमेजिंग टेस्ट है जिससे कि पता चल जाता है कि कई सारी बीमारियों के बारे में और इसमें होता क्या है कुछ वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके शरीर के थ्रू पास होती हैं और एक प्लेट पे गिरती हैं जिससे कि आपके शरीर की जो अंदर की जो इमेजेस हैं कुछ डार्क कुछ लाइट इमेजेस बन जाती हैं और उनके कंट्रास्ट से समझ में आता है हमें कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है सो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों का एक्सरे किया जा सकता है जब छाती का एक्सरे करते हैं तो उसे कहते हैं चेस्ट एक्सरे और चेस्ट एक्सरे डायग्नोस और मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है कई सारी फेफड़ों की छाती की बीमारियां जैसे कि निमोनिया हार्ट फेलियर जी हार्ट फेल होता है तो बैक प्रेशर होके आपके फेफड़े में ही प्रेशर आ जाता है तो निमोनिया हार्ट फेलियर और कई सारी और दूसरी बीमारियां लंग कैंसर ट्यूबरकुलोसिस साइकोइडोसिस लंग टिश्यू के अंदर कोई भी स्कारिंग फाइब्रोसिस हो जाए ये सारी चीज़ें डायग्नोस होती है चेस्ट एक्सरे में और आपका डॉक्टर चेस्ट एक्सरे इसलिए भी कर सकता है कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गया मान लो कि कोई इंजेक्शन लगा है आपके चेस्ट में इंजेक्शन लगा के पानी निकाला उसके बाद चेस्ट एक्सरे गर्दन में मोटी ट्यूब डाली है उसके बाद चेस्ट एक्सरे राइट सेंट्रल लाइन डाली है इंट्यूबेट किया है उसके बाद तो हर एक चीज़ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट असेसमेंट के लिए चेस्ट एक्सरे होते रहते हैं ऑलराइट और ये बहुत सिंपल सा है चेस्ट एक्सरे आपको हॉस्पिटल में बाहर लैब में डायरेक्ट जाके भी करवा सकते हो कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आपको थोड़ा ऊपर के चीज़ें हटानी पड़ेगी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कोई लॉकेट कोई गहने कोई ये और वो हटा के मिनिमम कपड़ों में आपको दूसरे कपड़े दिए जाएंगे गाउन दिया जाएगा ज्वेलरीज दी जाएगी उसके साथ आप एक्सरे करेंगे एक एक्सरे के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं टेक्नीशियन आपको बताएगा एक्सरे के मशीन के सामने खड़े होना है कैसे खड़े होना है और उसके बाद में आपका चेस्ट एक्सरे किया जाएगा हाथों की पोजिशन और उन चीज़ों में डिपेंड करता है चेस्ट एक्सरे जो होता है इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है आपके रेडिएशन का रिस्क ज़रूर होता है क्योंकि जो एक्सरे यूज होते हैं इसमें रेज रेडिएशन यूज होता है जो अमाउंट है उस रेडिएशन का वो वैसे तो है बहुत स्मॉल लेकिन रेडिएशन तो है सो इसीलिए किसी भी पेशेंट का जिसको जो प्रेग्नेंट है जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनको उनका चेस्ट एक्सरे नहीं किया जाता राइट और किया भी जाता है तो उनको एक लेड का प्रोटेक्टिव लेयर दिया जाता है ताकि बच्चे पे ऊपर एक्सरे का बुरा प्रभाव ना पड़े और आपके टेक्नीशियन फिर आपको बताएंगे कि चेस्ट एक्सरे अगर आपका व्यू पे डिपेंड करता है एपी व्यू है पीए व्यू है ना एपी मतलब एंटेरो पोस्टीरियर पीए मतलब पोस्टेरो एंटीरियर तो उसे जो चीज़ प्लेट के पास होगी राइट एंटेरो पोस्टीरियर वो चीज़ ज़्यादा क्लियर दिखती है ये हिसाब किताब है उसका सो एपी व्यू पीए व्यू अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन उसके अर्जेंसी और जैसे मैंने कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज चेस्ट एक्सरे नहीं करेंगे बाकी लोगों के केस में हम करके देख सकते हैं सो ये हुई छोटी जानकारी चेस्ट एक्सरे के बारे में चेस्ट एक्सरे क्या क्या बताता है इन सारी बीमारियों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जाके आप करा सकते हो अलग अलग रेट होते हैं अलग अलग हिसाब होते हैं सो थैंक यू सो मच और लेट मी जस्ट फिनिश दिस सो वी आर टॉकिंग अबाउट चेस्ट एक्सरे तो चेस्ट एक्सरे में क्यों किया जाता है चेस्ट एक्सरे कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है परसिस्टेंट कफ है अगर आपको चेस्ट पेन है
अगर आपको कोई छाती में चोट लग जाए, आपको लग रहा है कि पता नहीं रिब तो नहीं टूट फट, रिब फ्रैक्चर तो नहीं हो गया वहाँ पर, या कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, अगर आप खांसी में ब्लड आ रहा है, अगर सांस में दिक्कत हो रही है, अगर आपको बुखार है, तो चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है। और अगर कोई भी साइन है ट्यूबरकुलोसिस का, लंबी खांसी, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, या कोई साइन लंग कैंसर का लग रहा है कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है लंग डिजीज का, या सांस फूल रहा है, वीजिंग आवाज़ आ रही है, लेटने पे सांस फूल रहा है, रात को सांस फूल रहा है, वट एवर इट इज, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है। और सीरियल चेस्ट एक्सरे बहुत ज़रूरी होता है, सीरियल चेस्ट एक्सरे मतलब रिपीटेड, एक के बाद एक चेस्ट एक्सरे रिपीट किया जा सकता है। एबनॉर्मल रिजल्ट का क्या मतलब, नॉर्मल में तो सिंपल सी चीज़ है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आएगा, एबनॉर्मल में हो सकता है कई बार हमें लंग्स में गड़बड़ दिखती है, एक लंग कोलैप्स हो सकता है, लंग के बाहर फ्लूइड कलेक्टेड हो सकता है, लंग के अराउंड पेरी जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, लंग में कोई बड़ा सा गांठ सी दिख सकती है, ये क्या है, गोला सा, ये ट्यूमर है, लंग में ट्यूमर दिख सकता है, नॉन कैंसरस, कैंसरस, कोई एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, गाड़ी गाड़ी ऐसी धारियां दिख सकती हैं, वो ब्लड वेसल्स मार्किंग होती है, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स, निमोनिया हो सकता है, पैच दिख सकता है, आपको दिख सकता है कोई लंग टिश्यू स्कारिंग दिख सकती है, और ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत सारे टाइप से दिखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में अर्ली ट्यूबरकुलोसिस लंग के ऊपर साइड में या पैच 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 मिल रही ट्यूबरकुलोसिस, या ट्यूबरकुलोसिस की कैविटी दिख सकती है, एक ऐसी कैविटी जैसा, सो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हार्ट की बीमारी होगी तो हार्ट का साइज बड़ा दिख सकता है, एबनॉर्मल साइज दिख सकता है, शेप एबनॉर्मल दिख सकता है, पोजीशन एबनॉर्मल दिख सकती है, आर्टरीज की जो शेप है वो एबनॉर्मल, नकल वकल आते हैं, जो खून की नसें निकल रही हैं उसमें प्रॉब्लम दिख सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, इवन हार्ट फेलियर का एविडेंस आ सकता है अगर लंग के अंदर पानी भरा हुआ हो, वो भी अलग से दिखता है, पल्मोनरी एडिमा। बोन्स में फ्रैक्चर दिख सकता है, रिब्स में और स्पाइन में भी दिख सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस का दिख सकता है, तो ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं चेस्ट एक्सरे में, इसी को हम रेडियोग्राफी, चेस्ट रेडियोग्राफी या चेस्ट एक्सरे बोलते हैं। सो ये सारी जानकारी होगी चेस्ट एक्सरे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।